आज नीमच के सीएम राइज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली शुभारंभ किया। कार्यक्रम का इंदौर से सीधा प्रसारण किया गया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। श्रेष्ठ शिक्षक स्टाफ मेंबर और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अतिथिगण के कर कमलों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पीपीटी द्वारा विद्यालयों की उपलब्धियों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान पालकों और बच्चों ने सीएम राइज स्कूल के बारे में अपने विचार रखे। यहां उल्लेखनीय है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज 72 सीएम राइज स्कूलों का वर्चुअली भूमि पूजन का कार्यक्रम इंदौर में आयोजित किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में कुल 360 सीएम राइज स्कूलों को विकसित किया जाना है। नीमच में भी 45 करोड़ की लागत से विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, सहायक संचालक मनोज जैन, प्राचार्य KS जैन, उप प्राचार्य महेश शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम को अतिथियों द्वारा संबोधित किया गया। संचालन मंजुला धीर ने किया। बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी दे रहे हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को एकदम ऊँचा चढ़ाने के लिए सर्व सुविधा युक्त सीएम राइस स्कूल खोले जा रहे हैं। नीमच जिले में भी लगभग 45 करोड़ रुपए का सीएम राइस स्कूल बनेगा। हमने भूमि चयन की है और आज जावद में और मनासा में ब्लॉक स्तर पर इसका भूमि पूजन हो रहा है। कई जगह पर जिला स्थान पर हो रहा है। उस सीएम राइस स्कूल में गुरुजन होंगे जो BA DED होंगे और वो बच्चों को तराशने का काम करेंगे। बेटा बेटी की 2,500 से लेकर 3,000 तक के विद्यार्थी वहाँ सब प्रकार की सुविधाओं के साथ में शिक्षा प्राप्त करेंगे और वह नीमच की लाल माटी का नाम रोशन करेंगे। सीएम राइस स्कूल नई शिक्षा नीति देश के प्रधानमंत्री जी ने जो लागू की है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेटा बेटियों को, जो पहले की शिक्षा नीति थी वो मेघालय से मिलती जुलती शिक्षा नीति थी, अब मूल रूप से भारत की धरती से जोड़ने के लिए आत्मनिर्भर बेटा बेटी को बनाने के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। मैं आज सीएम राइस स्कूल मध्य प्रदेश में सबको मिल रहे हैं, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। शिवराज सिंह जी चौहान साहब और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि नई शिक्षा नीति में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, जिसमें रोजगार उन्मुक्त शिक्षा देना, ये सारा इसमें है और एक बड़ी उपलब्धि आज पूरे मध्य प्रदेश में मिल रही है। मुख्यमंत्री जो बेटियों को बहुत चिंता करते हैं और उन्होंने तो एक और घोषणा की है कि अब लाडली लक्ष्मी बेटी जो भी रही होगी उसको यदि डॉक्टर इंजीनियर बनेगी तो उसकी फीस भी शिवराज मामा जमा कराएगा। बेटियों को शिक्षा के लिए भी सभी प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, किसी प्रकार का खर्च न लगे अभिभावक का, उनके माता पिता का, ये सुविधा भी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आज पुनः नीमच जिलावासियों को सबको बधाई देता हूँ, बेटा बेटियों को बधाई देता हूँ कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक बड़ी उपलब्धि पूरे प्रदेश में हो रही है, ये नई शिक्षा नीति की वजह से है। तो आज यही बेटा बेटी कल डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे और नाम रोशन करेंगे। तो एक अवसर है, ये बहुत अच्छा अवसर है शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन रोशन की रिपोर्ट।